पेट पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये तुम्हें छोड़ देगा। बस मेरा एक काम करना होगा। और आपके लिए कितने काम करने हैं गीता जी? ये भी तो आपका काम है। बस एक सुनिए, मैं इनसे अकेले में 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? थैंक यू, आ जाऊँ। राजू बस एक काम और, कातिल का हुलिया गलत बताना। गलत क्यों? ये शिंदे बिल्कुल गधा है, वो पूरे केस का सत्यानाश कर देगा, इसीलिए बेहतर यही है कि उसे कातिल के बारे में कुछ पता न चले। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। राजू प्लीज मेरे लिए, नहीं, 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 तुम्हारी वर्षा के लिए। नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं 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 गीता जी, आप मेरी वर्षा नहीं। राजू आप मेरी वर्षा। ओके गीता जी, मैं अपनी वर्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए ओके चलो। रोक रहे सर, तुम कंप्यूटर पे बैठ जाओ। yes, राजू तुम जो जो बोलोगे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे। हाँ तो बताओ राजू, कातिल का हुलिया कैसा था? सर कैसा था सर? डरो मत राजू, बोलो बोलो। सर उसका कद इतना था सर। है? इतना गलत हुलिया, गलत गलत। नहीं नहीं सर, इतना इतना। बोना बोना कातिल से बोना। नहीं नहीं सर, 5'6" था सर। हाँ लिखो, 5'6" 5'6" और आंखें कैसी थी? बड़ी थी सर। नहीं नहीं सर, छोटी छोटी छोटी। और ये नाक कैसा था? सर नाक सर फूला हुआ था सर। नहीं नहीं सर, चपटा था। चपटा नहीं, फूला नहीं तो फिर क्या? लंबा। लंबा था सर, लंबा लंबा। सर आपका फोन है। फोन है, रोक रहे कंटिन्यू। यस सर, मैं अभी आता हूँ सर। क्यों सच बोलते हो राजू, कुछ भी बोल दो। गीता जी बड़ा मुश्किल होता है, जिसका वजूद ही नहीं उसका हुलिया कैसे बताऊं? हजारों लोगों का चेहरा देखा होगा वेटर गिरी करते हुए, कुछ भी बोल दो। नहीं कमिश्नर साहब का फोन था, खामखा डांट रहे थे। जल्दी बता कातिल का हुलिया कैसा था, मेरा मूड खराब मत कर, जल्दी बता। एक मिनट सर, मैं सर याद करूं। अरे इतनी देर लगती है क्या याद करने को? जल्दी बता वरना लॉक में बंद कर दूंगा। सर ये देखिए ये माउस टूट गया। टूट गया? पुलिस डिपार्टमेंट को बिल भेज दो। सर ये पुलिस का ही माल है। पुलिस का है, रख दो। बोल दो, एनकाउंटर में गोली लग गई। राजू जल्दी बता कातिल का हुलिया। नहीं 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 नहीं, बोलो। कल पा कुछ सर, सीधा 40 कमर 40, चेहरा फूला हुआ, नाक मोटी, छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े होंठ, रंग काला, ठुड्डी डबल, घुंघराले बाल, मोटी टोन, 85 किलो, दूसरे देखो तो ऐसे लगेगा कि 8 आंकड़ा चला आ रहा हो। वाओ गुड। रोकड़े यस सर, कंप्यूटर में फीड कर दो। यस सर, देखते कातिल का हुलिया कैसा आता है, जल्दी। यस सर, तुमने तो मशीन गन चला दी। गीता जी आपने तो कहा था कोई जाने माने का चेहरा बयान कर दो, सो कर दिया। सर सर ये तो शक्ल से ही कातिल दिखता है। यस सो स्वीट राजू, यू स्वीट टू गीता। ये दिखा जो राजू। ये सर यही है ना वो किलर जिसको तुमने देखा था? नहीं सर, ये गड़बड़ हो गई सर। क्या बक रहे हो, कंप्यूटर कभी गड़बड़ नहीं करता। उसने वही तस्वीर बनाई जो तुमने बताई। बोलो राजू ठीक है या नहीं? नहीं नहीं सर। बोलो या तुम झूठ बोल रहे थे? हाँ यही कथित सर। गुड, अब तुम जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर मत जाना, हमें तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू मिस्टर शिंदे। रोकड़े जल्दी से इसकी फोटोकॉपियां निकालो, सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, पूरे पुलिस फोर्स को इसके पीछे लगा दो, देखता हूँ बचकर जाएगा कहाँ साला। सर जाओ। बड़ा मजा आया, पूरी पुलिस फोर्स ऐसी आदमी को ढूंढते फिरेगी जिसका कोई वजूद ही नहीं होगा। लेकिन गीता जी मान लीजिए ऐसा कोई आदमी निकला है तो क्या हुआ? पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, 3rd degree का इस्तेमाल करेगी और उसे कबूल करवाएगी कि खून उसी ने किया है। लेकिन गीता जी उसने खून किया ही नहीं, वो तो बेकसूर है। राजू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता नहीं 3rd degree टॉर्चर कितना भयानक होता है? मुजरिम को बर्फ की सीली पर लिटाया जाता है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं खून नहीं है। मर के बेचारा। और गीता जी उल्टा टांग कर
नीचे से मिर्ची का धुआं छोड़ा जाता है। मैं कत्ल वत्ल नहीं किया। और गीता जी ट्रक के टायर में लटकाकर एड़ियों पर डंडे बरसाए जाते हैं। हाँ राजू, पुलिस के डंडे में बहुत ताकत होती है। भाई कातिल है साहब, मैं मर्डर किया। मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी फोन करना है, मेरी अर्जेंट। भी अबे फिर हाथ पकड़ा तुमने? हाँ पकड़ा। माँ का दूध पिया तो आ गया, बकरी का दूध पिया तो पिछला। अच्छा अभी आता हूँ। हाँ इधर आके दिखा। अबे बाहर तो आने दे मुझे। तेरे दिल में मोती है, कमी है, मरम्मत कर दे। ऊंचा लफंग को तो आने दे। अरे आस्ते आस्ते। बाबू जी कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? वो खेत में घास घुस गया था। क्या? हाँ खेत में सांड घुस गया था। क्या घुस गया था? सांड। हाँ बाबू जी, अगर मैं ना होती तो आपके खेत का पूरा घास खा जाता। तो पूरी घास आपने बचाई। आप क्या मेरे खेतों की आजकल रखवाली कर रही हैं? जी, वो तो करनी ही पड़ेगी ना बाबू जी। क्यों करनी पड़ेगी? जी, वो। आप कहाँ जा रहे हैं? वो घास। आप चलिए, बहुत घास फूस हो गया, घर चलो, मैं तुम्हारी घास निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, 100 बार कह चुका हूँ, एक बार और सुन लो। पढ़ाई के नाम पे बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब बिल्कुल नहीं करने वाला। अरे शर्म करो, एक एक क्लास में 4-4 साल लगाते हो तुम लोग। इस साल और पढ़ने दीजिए, इस बार हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम लोगों पे एक फूटी नहीं खर्च करने वाला। जाके खेतों में काम करो। हम खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? तो कुएं में डूब के मर तो सकते हो ना, जाके मरो। पर बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या बाबूजी, बाबूजी ये बुड्ढा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अब क्या होगा? ये शराब के अड्डे वाला रामू दादा, ये जुए के अड्डे वाला गंगू दादा, ये सब दादा यहीं घुस जाएंगे और कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी घुस के मारेंगे। तू क्या सोच रहा है कदों की तरह? अरे कोई रास्ता निकालना। चुप बैठ नालायक, सोचने दे मुझे। रास्ता ही सोच रहा हूँ। क्या है रास्ता? दद्दू दद्दू आजा। दादू क्या बात है? दद्दू हम भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? खेतों में काम और तुम? हाँ। पागल हो गए क्या? अरे खेतों में काम करने के लिए तो मैं हूं मैं, तुम लोगों को तो शहर जाके पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, क्या कहते हैं उसे, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। दादू आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों 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 क्यों? वो बाबूजी ने साफ कह दिया है कि वो हमारी पढ़ाई पर एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं करने वाले। अरे बाबूजी के कहने से क्या होगा, जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा। बोलो कितना रुपया चाहिए? नहीं भैया जाने दीजिए, आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता दादू। अब हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते दादू। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम पर। अरे जब तुम पढ़कर आओगे ना, तब ये शंकर का सीना 2 गज चौड़ा हो जाएगा। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। कितना रुपया चाहिए दादू? यही कुछ 50,000 रुपया। सिर्फ 50,000 रुपया? 50,000? ठीक है, मिल जाएगा। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। भाई हो तो ऐसा जो दे हमें पैसा। लाओ भाई, और ये लो शंकर, पूरे 50,000 गिन लो। शंकर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं पूछिए भाई। इस साल तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है और माल भी बहुत ऊंचे दामों बिका है, फिर क्या वजह है जो 50,000 रुपया लिए जा रहे हो? सेठ जी, मैं अपने भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ। वाह वाह शंकर, भाई तो इस गाँव में बहुत है, लेकिन जो तुम अपने भाइयों के लिए कर रहे हो ना, वो तो कोई भी नहीं। वो मेरे भाई नहीं है, मेरे 2 हाथ है, एक दाया एक भाया। अच्छा मैं चलता हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे टाइम हो गया, अभी तक दद्दू आया नहीं। ये गांव का बड़ा भाई है, तुम्हारी तरह शहर वाला नहीं, वादा किया तो जरूर आएगा। ए छोटो शक्ति, ये लो पूरा 50,000 रुपया। पूरा 50,000? दद्दू आपने गिन लिया है ना? अच्छी तरह मन लगा के पढ़ना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, जितना पैसा चाहिए मैं भेजूंगा। दद्दू मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं दद्दू? अरे शुक्रिया क्या, बाबूजी का नाम रोशन करो बस। हाँ बस आ गई, बस आ गई। रोको भाई, चल चल चल। अच्छा दद्दू प्रणाम। पाय लगा दद्दू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो डॉक्टर साहब। अच्छा दद्दू, अच्छा पढ़ना। हाँ दद्दू, चिंता मत करना, वक्त पे खाना खाना। हाँ दद्दू, तबीयत का ख्याल रखना दद्दू। हाँ दद्दू, हफ्ते चिट्ठी लिखते रहो।
पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, ये दादू है। ए, इतने सारे पैसे देकर अपने भाइयों को कहाँ भेजा है? ए, मेरे भाई शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, देखना एक दिन वो डॉक्टर कलेक्टर कंडक्टर बनकर आएंगे। कलेक्टर कंडक्टर डॉक्टर? हाँ। अरे 10 किताब पढ़ने में तो 20 साल लगा दिए, कलेक्टर क्या खाक बनेंगे? ए खबरदार, मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो खींच कर मारूंगा मैं। खींच कर मारूंगी। हाँ देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। ए जाजा, बड़ी आई समझाने वाले। ए जाजा, तू जाना फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? ये कोई देख लेगा? देख ले देना। पपड़ी देना। जय राम जी की चौधरी साहब। जय राम जी की। जमुनादा जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था, पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ, क्यों आपको पता नहीं? हाँ, वो 50,000 रुपए। हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गया? क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमनालाल के पास कर्जा मांगने के लिए? अरे बोल ना, बोल बोल मुखल, अरे बोल, क्यों की ऐसी गलती? बाबूजी, मेरे भाई पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने, बड़े अफसर बने, अगर ऐसा सोचना गलत है तो एक गलती की है मैंने। आपके बेटे जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, अगर ऐसे सोचना गलत है तो ये गलती मैंने की है। तू उनका भाई है तो मैं उनका बाप हूं, बाप। मैं उनके रग रग से वाकिफ हूं, उनसे कुछ नहीं होगा रे। वो दोनों बांस हैं, ऐसे बांस जिनमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा, चाहे तो अपने कलेजे का खून निकाल के उनकी जड़ों में छिड़क दे। बाबूजी मैं नहीं, नहीं, आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा, और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। जा, जो कुछ करना है कर, जा जा। बहनों और भाइयों, आज ये सुपरफाइन सीमेंट्स मीरता की तरफ से जो कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले में जो भी पार्टी जीतेगी उसे ये कप इनाम में दिया जाएगा। कबड्डी के इस मुकाबले में गब्बर सिंह और उनकी पार्टी एक तरफ है और दूसरी तरफ है शंकर दयाल चौधरी और उनकी पार्टी। देख लेता हूँ। इधर नहीं, इधर आके दिखा रख लो। याद रखना, मुझको संभाल के रखना मोटू। झगड़ा नहीं। चित या पट? चित। हम जीत गए, हम पहले आएंगे। जय बजरंग बली दुश्मन की नली। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे एक जगह खड़े रहो, भागते हो डरपोक। ए मुछा, कौन डरपोक? अब देख हमारा पहलवान आता है। ए टकलो, जा तो। दादा मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। देखा लो, तू जा रहा है। मैं दादा अभी जाता हूँ, सबको खींच लाता हूँ। दादा मैं इसके बाद जाता हूँ।
जय भोलेनाथ। कबड्डी 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 छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी। बाबूजी चलिए ना चलते हैं। अरे कहाँ चले, अभी खेल का फैसला बाकी है, बैठ जा। आजा बच्चे आजा। कबड्डी 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 कबड्डी